महान ग्रह बुध 13 दिसंबर को दोपहर 12:38 पर वक्रीय हो गए हैं, जो इसी वक्रीय अवस्था में ही गोचर करते हुए 27 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः 2 जनवरी को मार्गी होंगे और 1 फरवरी को दोपहर 2:22 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनके वक्रीय होने का अन्य राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका ज्योतिष विश्लेषण आपको बता देते हैं। मेष राशि, राशि से नवम भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव भाग्य वृद्धि तो करेगा, किंतु कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी डालेगा। विशेष करके चर्म रोग तथा दवाओं के रिएक्शन से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें, बेहतर रहेगा कार्य संपन्न करें और सीधे घर जाएं। जायदाद संबंधी मामले हल होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काफी दिनों का दिया गया धन वापस आ जाने की उम्मीद है और अपनी ऊर्जा शक्ति का आपको पूर्ण उपयोग करना है। वृश्चिक राशि, राशि के अष्टम आयु भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक वार्ता में थोड़ा और समय लग सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतिष्ठित कार्य संपन्न होंगे। एक बार जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निर्णय और किए गए कार्य की सराहना होगी। किसी भी तरह के सरकारी विभाग में टेंडर आदि के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो ग्रह गोचर अनुकूल है। मिथुन राशि, राशि के सप्तम दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक वार्ता सफल होगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। इस अवधि के मध्य अधिक बैंक से कर्ज लेने से बचें और दूसरों को भी अधिक धन उधार देने से बचें, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा देशांतर का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, लाभ उठाएं। कर्क राशि, राशि के छठे शत्रु भाव में गोचर करते हुए वक्रीय बुध अप्रत्याशित परिणाम देने वाला है। अनिश्चितताओं का माहौल रहेगा। अपने ही लोग नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता आएगी। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है, किंतु नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और प्रबुद्धता के भी योग बन रहे हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्य विशेष करके बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, राशि से पंचम विद्या भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठे हुए छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये गोचर बेहद ही लाभदायक है। मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। सामान चोरी होने से बचें। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होंगे। मकान या वाहन का क्रय करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी यह गोचर अनुकूल है। कन्या राशि, राशि से चतुर्थ सुख भाव में वक्रीय बुध स्वभाव में सौम्यता तो लाएंगे ही, लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ट्रस्टों तथा अनाथालय आदि में भी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे और दान पुण्य करेंगे। videodex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि